घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 3 मई यानी विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज के दिन मनाया जाता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके प्रेस की आजादी को और उसके महत्व को बताया। उन्होंने कहा कि विश्व प्रेस फ्रीडम डे पर हम स्वतंत्र और बहुमुखी पत्रकारिता का दृढ़ समर्थन करते हैं, यह लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर एक संस्था है जो हर साल दुनिया भर में जो मुल्क है 180 मुल्क का उन्होंने रिपोर्ट देते हैं, उसमें से भारत पहले 133 पे था, अब वो घट के 136 पे आ गया, 3 पॉइंट नीचे हम गिरे हैं। दुनिया भर में जो सबसे अव्वल है वो है नॉर्वे और जो सबसे नीचे हैं वो है नॉर्थ कोरिया। क्यों ये स्थिति है और किस लिए और क्या किया जा सकता है, किसकी किसकी जिम्मेवारी है, कहां से चीजें की शुरुआत हो सकती है कि भारत में कम से कम जो सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, हम ये मानते हैं कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो इसमें आखिर भारत की स्थिति ये क्यों है, ये भी एक बड़ा सवाल है। दुनिया भर में जो और मुल्क हैं वहां पर क्या किया जा सकता है वो एक दूसरा सवाल है, लेकिन भारत में जहां एक लोकतंत्र है, लगातार हम अपने लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, वहां पर लोकतंत्र में जो फ्री प्रेस जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है उसको भी अगर देखें तो भारत की स्थिति खराब क्यों हो रही है, ये भी सवाल है। इसके पीछे आखिर जो मीडिया संस्थान हैं वो हैं, पत्रकार हैं, या जो व्यवस्था है उसमें खामी है, तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। हम आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पन कुलश्रेष्ठ जी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं उपेंद्र प्रसाद जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हैं सुनील चोपड़ा जी जो CPM के हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले पुष्पेंद्र जी आपसे, ये जो स्थिति है भारत में दुनिया भर के जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के रिपोर्ट को देखें, भारत में मीडिया की स्थिति को देखें और जो कुछ पिछले दिनों में हम देखते हुए लगातार आ रहे हैं उसको देखें, तो कहाँ पे भारत में भारतीय लोकतंत्र में मीडिया इस वक्त आज़ादी के मसले को लेकर हम देखें, फ्रीडम ऑफ प्रेस को देखें, तो कहाँ हम खड़े हैं? दिलीप देखिए, ये जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर है जी, इसके जो भी मापदंड होंगे वो मुझे नहीं पता कि किस मापदंड पे उन्होंने उसकी आपकी प्लेसिंग की हुई है, लेकिन अगर हम उम्र लोगों में, यूसुफ भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उपेंद्र भाई भी यहाँ मौजूद हैं, उपेंद्र जी तो रेजिडेंट एडिटर की हैसियत में भी एक बड़े अखबार में रहे हैं, हम लोगों को जो अब नज़र आता है, हम बार बार अगर कुछ चीज़ों को छोड़ दें, इमरजेंसी को छोड़ दें, कुछ एक्ट लाने की सरकार ने कोशिश की वो छोड़ दें और कुछ लार्जर कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, तो आज भारत की प्रेस जो है, मैं ये कहता हूँ कि उस पर कोई सरकारी दबाव हो, सरकार की तरफ से कोई बैन लगा हो, सरकारों ने ऐसे नियम बना दिए हो, उससे ज़्यादा मुझे खतरा ये लगता है कि भारत के अंदर प्रेस का जो चरित्र है वो जो मिशन से शुरू हुआ था पत्रकारिता हमारे, वो फैशन में बदली और फैशन से वो कॉरपोरेट में चली गई है और स्वयं हम अपने आप ही अपनी पत्रकारिता को बेचने पर लगे हुए हैं बगैर किसी दबाव के। हम अगर टेलीविजन को देखें, अखबारों को देखें, तो जो हमने अपने अंदर चरित्र पाल लिया है कि पत्रकारिता जो है वो हमें सत्ता तक ले जाती है, सत्ता से हमें कहीं और ले जाती है, हमें फायदों की तरफ पहुंचाती है, लिहाजा नीचे से लेके ऊपर तक देखें हम, तो आज पत्रकारिता का चरित्र यह हो गया है कि मालिक जो है वो एडिटर बन गया है और एडिटर का काम हो गया मीटर रीडर का। वो सिर्फ ये काउंट करता है कि कितने पैसे कहां से आएंगे, कितने कहां जाएंगे, किसको देने हैं, किससे किसकी मीटिंग करनी है। तो हम उस चरित्र की वजह से देखें कि आज एक दुकान है, इसलिए मैं मानता हूं कि पत्रकार और जो एडिटर जो इंस्टीट्यूशन था उस जिस तरीके से उसका हरण हुआ वो समाप्त हो गया, आज एडिटर की कोई वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारे यहां पत्रकारिता बहुत निचले स्तर पर है, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं आजादी की बात, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बड़ा भारत के अंदर ऐसा है कि जिसकी वजह से प्रेस को दबाया जा रहा हो। यूसुफ साहब, आप कैसे देखते हैं, क्या भारत में प्रेस की आजादी मजबूती से बिल्कुल कामयाब है या आप देख रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट है उसमें 180 मुल्क जहां पे रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर का जो इंडेक्स है उस इंडेक्स में भारत 133 से 136 यानी 3 पॉइंट डाउन गया है, उसको छोड़ भी दें हम, तो पहले तो हम इस बात को आकलन करें कि भारत में प्रेस की आजादी का इस वक्त हाल क्या है। जो भी पुष्पेंद्र भाई ने बात कही कि भाई कानूनी तौर पर अगर हम देखें तो कानूनी तौर पे तो कहीं कोई बंदिश इस तरह की नहीं है, ना ही पिछली इस सरकार ने ना ही पिछली सरकार ने प्रेस को कोई अंकुश लगाने के लिए कोई कानून बनाया हो या
कोई ऐसा रेगुलेटरी बॉडी बनाई हो, अगर इस तरह की रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात होती भी है तो उसका विरोध होता है पत्रकारों की तरफ से, और ये बात कही जाती है कि भाई हम सेल्फ रेगुलेटरी हम करेंगे। और इसको लेकर के सरकार ने, हालांकि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में कोशिश हुई थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी वॉच करने के लिए एक बॉडी बनाई जाए, लेकिन अब तक वो नहीं बनी है, 12 साल हो गए, उसके बाद 10 साल दूसरी सरकार भी रहकर चली गई। जो पुष्पेंद्र जी ने बात की वो उस समय करना चाहूंगा कि जो पत्रकारिता के प्रोफेशन में लोग हैं उन्होंने ही अपने ऊपर एक दबाव महसूस किया हुआ है, और वो अपने जिन संस्थान से जुड़े हुए हैं उन संस्थान के व्यावसायिक हितों को ध्यान में रखते हुए पत्रकारिता करते हैं। खबर वहां से तय होती है कि साहब, जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं रिपोर्टिंग में आप हुआ दोनों लोग संस्थान से भी जुड़े हुए रहे हैं, हिंदुस्तान में भी, हिंदुस्तान के बाहर से भी आप जुड़े पुष्पेंद्र रहे हैं, क्या ये जो बात आप कह रहे थे और जो बात यूसुफ साहब कह रहे हैं कि पत्रकार खुद कहीं ना कहीं जो व्यावसायिक मजबूरी है, तो ये पत्रकार खुद पैदा कर रहा है या संस्थान उसके लिए पैदा कर रहा है? पत्रकार नहीं पैदा कर रहा, ये संस्थान की तरफ से पैदा किया जा रहा है। जो मैं बताना चाह रहा था वो बात ये थी कि जयपुर के आसपास एक ब्रांडेड जो कोल्डिंग बनाने वाली कंपनी है उसका कोई एक सेटअप है, और उस सेटअप में एक लिमिट होती है कि रोजाना आप अंडरग्राउंड से इतना पानी निकालेंगे, कि उसकी लिमिट तय होती है। लेकिन कुछ लोगों ने आरटीआई के जरिए से कुछ डॉक्यूमेंट निकाले और ये पता चला कि साहब जितनी उनकी लिमिट है उस लिमिट से कई गुना ज़्यादा पानी वो रोज़ाना वहाँ से निकालते ज़मीन के अंदर से, और उसका असर ये हो रहा है कि आसपास के जो गांव है वहाँ के जो हैंडपम्प लगे हुए हैं उनके अंदर पानी नहीं आ रहा है, तो आसपास पानी के पीने के पानी की किल्लत पैदा हो गई है। तो वो इतने मोटे कागज़ थे वो लेके यहाँ घूम रहे थे, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, कोई ऐसा चैनल नहीं बचा था जिसे उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया हो, एडिटर को ना समझाया हो कि साहब देखिए ये दिक्कत है और बड़ी खबर है और एक इसमें बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, ये एक जनहित का काम है साहब कीजिए। वो खबर किसी चैनल पे नहीं चली, इसलिए नहीं चली कि जिस कंपनी के खिलाफ वो कागज़ थे उस कंपनी के एड हर ब्रेक में हर चैनल पर दिखाए जाते हैं। दूसरी बात, जो बात आज़ादी की हो रही है, सरकार एक हम एक कुछ दिन पहले की बात है एक मंत्री के पास बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मीडिया को अपना संस्थान रन करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसका बेसिक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, वो एडवर्टाइजिंग है। तो सरकार सबसे बड़ा एडवर्टाइजिंग एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर है जी। तो अगर सरकार सबसे बड़ा एडवर्टाइजर है तो क्यों ना सरकार का गुणगान हो, सरकार की योजनाएं आप दिखाइए, सरकार का आप जो सरकार के सुर मिला करके बोलिए। तो ये कॉन्सेप्ट कहीं से निकल कर आता है, फिर हम उसे अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक बात है कि अगर सरकार कहेगी बैठने को तो हम लेट जाएंगे, सरकार कहेगी लेटने को तो हम क्या करेंगे ये पता नहीं, ये पता नहीं, ये पता नहीं। उपेंद्र जी, आप भी संपादक रह चुके हैं और बड़े एक मीडिया घराने, बड़ा अखबार उस समय का और आज भी है अखबार, कुल मिलाकर के प्रेस की आज़ादी को आप हिंदुस्तान में इस वक्त जब हम बातचीत कर रहे हैं, इंडेक्स जो भी हो, रिपोर्ट जो भी हो, आपका क्या अपना आकलन है कि हम आज़ादी, फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेके भारत कहाँ खड़ा है? देखिए, भारत में प्रेस की आज़ादी को एक वाक्य में कहा जाए तो सबसे बड़ा खतरा उनसे है जो कि प्रेस चला रहे हैं, जो प्रेस चला रहे हैं, जो उसके ओनर्स हैं, जो संस्थान के ओनर्स हैं, उनसे प्रेस की आज़ादी को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो रहा है सबसे ज़्यादा। बाकी अंसारी जी ने कहा, वो अपने तरीके से कहा, लेकिन बात घुमा फिरा कर वहीं आती है कि ये जो इसका जो ओनरशिप स्ट्रक्चर है, जिस तरह से बिग पूंजी, बिग कैपिटल, बड़ी पूंजी आ रही है, तो पूंजी का अपना होता है, उसका प्रॉफिट मोटिव होता है और उसके अपने कुछ कॉरपोरेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और वो ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो प्रेस के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे डिफरेंट होते हैं। तो ये तो एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, और हमें लगता है भारत जैसे और भी दूसरे देश होंगे वहाँ भी इस तरह की समस्या होगी। तो यहाँ जो विकास हुआ है पत्रकारिता का, प्रेस का, बहुत हैजर्ड वे में हुआ है, और खास करके पिछले जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया है तो पूरा आप देखिए पूरा पैराफेरनेलिया बदल गया, क्योंकि उसके बाद ही कम से कम जो प्रिंट मीडिया जब था तो उसमें पत्रकार, ऐसे पत्रकार की जरूरत पड़ती थी जिनको पत्रकारिता की समझ भी हो और जिनके पास जानकारी हो, हालांकि एक फेज था जिसमें साहित्यकार लोग ही आते थे, लेकिन धीरे धीरे और अलग अलग वेरायटी के लोग आ रहे थे। फिर बाद में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, उसके लग गया कि पत्रकार के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कुछ, आपके पास कुछ जानकारी भी हो, आपका एक पत्रकारिता का ऐसा बैकग्राउंड हो। अब है कि ये स्थिति पूरी बदल गई है, तो इसके लिए हम लोग जिस तरह से पत्रकारों को लिया जा रहा है, जिस तरह से सिलेक्शन किया जा रहा है, तो वो जो है वो अपने इंटरेस्ट से करते हैं। जो अखबार के मालिक होते हैं वो ये नहीं देखते हैं कि पत्रकार को हम लाएंगे तो इसमें हमारे अखबार की क्वालिटी बढ़ जाएगी। उसमें एक और आ गया था पिछले
जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज आई तो उसमें आ गया कि जो आप मैसेज इज नॉट इम्पोर्टेंट, व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज डिलीवरी। तो उनका पूरा डिलीवरी सिस्टम पर आ गया कि मैसेज को छोड़ दीजिए, जो हम डिलीवर कर देंगे वही मैसेज बन जाएगा, वही खबर बन जाएगी। तो जो न्यूज सेंस है वो भी कमजोर हुआ है पिछले 25 साल से पत्रकारों का। अब उस जो क्वालिटी ऑफ जर्नलिज्म उस पर हम चर्चा करेंगे। जो मेरा सवाल पहला था कि क्या भारत में प्रेस को आजादी भरपूर है या नहीं है। आजादी देखिए जहां तक है कानून की बात है तो कानून तो पूरी तरह से मुक्त है, लेकिन सवाल तक सिर्फ कानून से नहीं होता है, किस माहौल में काम कर रहा है, माहौल क्या है। कानून बिल्कुल दुरुस्त है तो माहौल देखिए, एक तो है कि जो कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, जो बड़ी पूंजी जो आ गई है उस बड़ी पूंजी से एक तो खतरा हो रहा है, क्योंकि आपका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो पत्रकारों का है, लेकिन उनका जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो लगातार कंप्रोमाइज होता रहता है। और वो किसके सामने कंप्रोमाइज करते हैं, तो जो उसके ऑनर्स हैं जिस उसके सामने वो कंप्रोमाइज करते हैं, और वो ऑनर्स और जो पॉलिटिकल सिस्टम, जो क्रोनी कैपिटलिज्म जो डेवलप हुआ है उससे बहुत बड़ा खतरा हुआ है। तो क्रोनी कैपिटलिज्म का एक दो हिस्सा होता है, दो पार्टनर होते हैं, एक स्टेट होता है। चलिए उसमें डिटेल में आते हैं, उपेंद्र जी मैं आपके पास डिटेल में लौट के आता हूं इस पे। लेकिन जो पहला मेरा सवाल था, क्या भारत में प्रेस को आजादी है, सुनील चोपड़ा जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आपकी एक पार्टी ऐसी है जो संगठन को देख ले, आपकी लड़ाई को देख ले और प्रेस को देख ले, तो दोनों तीनों चीजों को मिला करके पॉलिटिकल चश्मे से आप मत देखें, आप सिर्फ एक नागरिक की हैसियत से, एक ऐसे व्यक्ति जो भारत में अलग अलग पड़ाव को आपने देखा है उस हैसियत से अगर देखें, तो भारत में प्रेस की आजादी को आप कैसे देखते हैं। आजादी जो होती है प्रेस की, और यही आधार पर ये जो रिपोर्ट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इनकी रिपोर्ट भी उस आधार पर ही लिखी गई है, वो है कि एक चीज वो नोट करते हैं और वो सबसे बड़ी चीज है कि किस हद तक जो प्रेस है वो मोनोपोलाइज्ड है बाय 1, 2, 3 बिग हाउसेस, तो उस पे आपका नंबर गिरता है। दूसरी चीज जो है जिस पे वो नोट करते हैं वो ये है कि रिपोर्टर्स की सुरक्षा क्या है। आज जो कई देश नीचे गिरे हैं वो इसलिए गिरे हैं कि वहां पर रिपोर्टर्स की हत्याएं की गई हैं, और हमारे यहां भी रिपोर्टर्स की हत्याएं बढ़ी हैं, घटी नहीं है। तो हमें सोचना पड़ेगा कि आजादी कैसी है, अगर पूरा कैसी है उस पर, लेकिन आजादी है या नहीं है पहले तो ये मेरा ये कहना है, जहां पर मालिक कंट्रोल करता है सब कुछ को, जो सब साथियों ने कहा है, वहां पर आजादी कहां है। आप लीगली कह सकते हैं आजादी है, लेकिन उसके बाद मालिक का टोटल कंट्रोल है, स्ट्रक्चर जो है, आप ये कहते हैं संरचना जिस तरह की है, जो स्ट्रक्चर है वो आजादी को फलने फूलने नहीं दे रहा है। आजादी है, कानूनी रूप से वैधानिक रूप से आजादी है देश में, आप आजाद हैं, मजबूत लोकतंत्र है, कानून के तौर पे आप बिल्कुल चाहे तो लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रेस की आजादी है और वो इंश्योर होता है। लेकिन एक चीज और कहनी है जी, कि आज जो अटॉर्नी जनरल ने एविडेंस दी है कोर्ट में आधार कार्ड पे कि आपकी बॉडी भी आपकी नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि आजादी को खतरा कितना है इन हालात के बावजूद। विषय पे आते हैं और वो विषय ये है कि आजादी के मायने, हमने कहा कि वैधानिक रूप से देखें या कानूनी तौर पे देखें, पुष्पन तो आजादी है देश में और उसमें कोई कमी नहीं है, उसमें किसी तरह की थ्रेट्स नहीं है, किसी तरह की परेशानी नहीं है, कठिनाई नहीं है, लेकिन तो माहौल और स्ट्रक्चर जो संरचना है वो जो है वो थोड़ा वो कठिनाई पैदा करती है। तो माहौल का मतलब क्या है और संरचना का मतलब क्या है। देखिए एक तो ओनरशिप की बात कर रहे हैं उपेंद्र जी भी, एक एस्पेक्ट तो ये है कि हमने सरकार के पॉइंट से देखा कि आजादी का मतलब ये है कि सरकार की तरफ से रिस्ट्रिक्शन, वैधानिक कोई या कानूनी अड़चने नहीं है, वो तो वो वैधानिक में सरकार आ जाती है। एक आजादी आपको समाज की मिलती है कि आपके समाज में क्या कोई सच बात लिखने वाले आदमी की जान सुरक्षित है कि नहीं है, वो समाज तय करता है कि आपका समाज कैसा है। आज जो बात कई घटनाएं घटी हैं, किसी नेता के खिलाफ लिख दिया, उस नेता ने उसे जिंदा जलवा दिया, तो इसमें सरकार बीच में नहीं आती।
इसमें सरकार बीच में नहीं आती। तो दूसरी एक आजादी है कि आप जिस जगह संस्थान में काम कर रहे हैं वहां आपको कितनी आजादी मिलती है, कि जिसको हम बार बार जो इंस्टीट्यूशन में सुबह से शाम पढ़ाते हैं कि हमें सच बताना है और सच दिखाना है, लेकिन हमने तो ये देखा कि आज हिंदुस्तान में चप्पल जूते की दुकानें जिस तरह से खुल रही हैं उसी तरीके से जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूशंस खुल रहे हैं। वो दुकानें इतनी खुल गई हैं कि आपको ये पता ही नहीं है कि पढ़ाना क्या है और बताना क्या है। तो आदर्शवाद तो टीचर पढ़ाते आता है वहां पे, लेकिन वो आदर्शवाद जब वहां से निकलता है तो उसको जमीन पर नजर नहीं आता है। और भीड़ इतनी है कि डिमांड एक ही है, अप्लाई 200 लोग कर रहे हैं। अब मालिक क्या करते हैं, मालिक को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, शाम को मेरा अखबार कितने पैसे मुझे देगा। तो मालिक वो ढूंढता है कि इनमें से कौन ऐसे लोग हैं जिनसे मैं ये कहूंगा कि घी की दुकान पे जाना, अपने लिए भी ले आना और मेरे लिए भी ले आना। तो अब सवाल यह है कि उसकी स्वतंत्रता जो है बेचारे की, वो तो मालिक को घी पहुंचाने तक की है। जैसे एक बड़ा अखबार है वो ये कहता है मेरा कार्ड ले लो प्रेस का, मैं तनखा नहीं दूंगा तुम्हें, प्रेस ले लो कार्ड, और गुरुद्वारे की तरफ जा रहे हो तो खाना खा लेना और मेरे लिए भी ले आना। तो अब अगर उस पत्रकार से पूछो कि भाई तुमने जॉब एक्सेप्ट क्यों की, तो वो कहेगा सर हमें कुछ करने को नहीं था, नौकरी करनी थी। तो जिन लोगों के लिए पत्रकारिता रोजगार है उनसे आप उम्मीद ये करें कि वो स्वतंत्रता की बात करेंगे, ये मुमकिन नहीं है। अगर ये मिशन है जिसके लिए, और मिशन उन्हीं के लिए होगा जिनको शाम को घर की खाना भी नहीं बनाना है, बिजली की बिल भी नहीं देने हैं, मकान का किराया नहीं, तो हम इतनी कमजोर व्यवस्था पे उससे ये उम्मीद कर रहे हैं कि वो अपना सब कुछ लगा दे। वो ईमानदारी के चक्कर में पुलिस से, बदमाश से, मोहल्ले के डकैत से, माफिया से, सबसे लड़ ले और उसके बाद मालिक के पास आ जाए। और जो बात यूसुफ अंसारी साहब ने कही है, बड़े बड़े खेल में तो छोटी बात छोड़ दीजिए, आज भी अगर मैं कहता हूं बार बार जहां जहां जाता हूं कि हिंदुस्तान में अगर पत्रकारिता कहीं जिंदा है तो छोटे छोटे शहरों में जिंदा है, वहां बड़ा रिस्क होने के बाद भी रिस्क ले लेते हैं। हमारे यहां जो बात कह रहे थे कि सर कहा गया, इस सरकार से कहा गया कि आप झुक जाइए, कुछ लोग लेट गए, और ये वो लोग लेट गए दिलीप जिनके करोड़ों के मकान हैं, जिनको कोई रोजी रोटी का लालच नहीं होने वाला था। अब उनसे ये कहें कि आपकी पत्रकारिता स्वतंत्र है या नहीं है, तो इस देश में क्या स्वतंत्रता होगी कि अखबार ने, आज प्रेस का दिन है, हम सब लोग कल से चर्चा कर रहे हैं, पाकिस्तान ने भारत के दो फौजियों की गर्दनें काट दी है, ये सरकार कह रही है, हमने मान लिया उनकी अंत्येष्टि हो गई, लेकिन रात में 1 बजे क्या हुआ कि दूसरे दिन अखबारों में छपा कि हमने पाकिस्तान की 2 पोस्ट उड़ा दिए हैं और 10 सैनिक मार दिए हैं। मैंने पूरा पाकिस्तान में सारे अपने दोस्तों को खंगाल लिया, मैंने कहा कहीं कुछ तो बता दो, मैं कहीं रिपोर्ट नहीं कर रहा। बोले पुष्पेन साहब ये ब्लैंकेट झूठ खबर है आपके यहां। फिर उनका ऑफिशियल बयान भी आ गया। अब ऑफिशियल बयान आने के बाद हमारे देश के पत्रकारों ने स्वयं सेल्फ सर्विस में लग गए सरकार की कि हमें जो इमोशंस है उसको डाइड आउट करना है। अब यह खबर बड़े बड़े अंग्रेजी अखबारों ने बैनर न्यूज बनाई है। आज उन अखबारों से कोई पूछने वाला यह है कि आपने इस देश के इसको स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता का तो मिसयूज है भाई, इसमें स्वतंत्रता भी फिर कहां के है, स्वतंत्रता ये तो मिसयूज है, ये तो अनार्की है, को या संरचना को कैसे जो स्ट्रक्चर है, ये सब जो पुष्पेंद्र जी ने जिक्र किया है बेसिकली ये जन भावनाओं के शोषण का तरीका है। जो जन भावनाएं हैं तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए आप मीडिया मालिक को जिम्मेदार नहीं कर सकते। साथ जो जो बात उसके लिए ने कही कि भाई जो मीडिया संस्थान के मालिक हैं वो लोग जिम्मेदार हैं। कैसे इसमें मीडिया संस्थान को क्या करना है, किसी संपादक को क्या करना है या रिपोर्टर ने खबर बना करके आपने दिया, इससे मीडिया संस्थान, एक जमाना होता था कि जब मीडिया संस्थान संपादक को पूरी स्वतंत्रता देता था कि भाई आप जिम्मेदार हैं खबर के सही और गलत होने के, अब वो जमाना नहीं रहा। आप बड़े चैनल के साथ काम कर चुके हैं, कई सारे ऐसे जो राष्ट्रीय चैनल और ऐसे चैनल रहे हैं जिन्होंने पत्रकारिता में कई ऐसे मिसाल वहां पे भी हुआ है, चाहे खामियां हो लेकिन खूबियां उसके साथ रही है कि कई अच्छे ऐसी भी खबरें जो सरकार के विपरीत बिल्कुल चीजें रही है उसको भी आपने सामने दिखाया। मेरा ये कहना है कि क्या ये सिंप्लीफाई नहीं करना होगा कि आप कहते हैं कि यहाँ माहौल और मालिक दो चीज, जो संस्था के प्रेस के मालिक जो है वो और जो माहौल है वो आपको मजबूर करता है। जो उदाहरण पुष्पेंद्र ने दिया उसमें माहौल और मालिक कहाँ आते हैं? माहौल और मालिक कहाँ आते हैं कि जब आपने एक लाइन, कोई भी तटस्थ नहीं है, सबकी एक पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है, पॉलिटिकल सोच है, और कहीं ना कहीं लोग आप देखिए कि मीडिया संस्थान के मालिकों को उठा करके आप देखिए, उनका किसी ना किसी पार्टी के साथ कोई ना कोई संबंध आपको नजर आ जाएगा। जब संबंध होगा तो वहां एक जो इंटरेस्ट, वो संबंध बना इसी बुनियाद पे, क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, इसी बुनियाद पे बनता है। हम सर्व करेंगे, हम आपको सर्व करेंगे, देखिए चुनाव में कौन किसके साथ खड़ा था
और चुनाव के बाद कौन किसके साथ है, क्या उसको फायदा पहुंच रहा है, क्या उसको फायदा नहीं पहुंच रहा, कौन कहां पहुंच गया है, ये सब चीजें हम सब लोग देखते हैं। दूसरी जो एक इम्पोर्टेंट बात है, अभी बात निकल चल जाएगा कि अगर कुछ पत्रकार आज भी ऐसे हैं, ज्यादातर पत्रकार ऐसे हैं जिनका जिक्र पुष्पेंद्र जी ने किया कि साहब जो एक मिशन की तरह इस प्रोफेशन को लेते हैं, अगर वो आज चाहें कि वो एक ऐसा इंडिपेंडेंट मीडिया खड़ा करें जो पूरी तरह से आजादी से अपनी बात कहे, जो संविधान में उसे अधिकार मिला है, और वो किसी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ना तो वो सरकार का भोपू बने, ना किसी दूसरी पार्टी का भोपू बने, वो निष्पक्ष रूप से बात कहे, तो उसका सर्वाइव करना मुश्किल है। पहली बात तो ये है कि वो अपना कोई एक मीडिया संस्थान इस तरह से खड़ा ही नहीं कर सकता, सरकारों ने इस तरह की पॉलिसीज बना दी है। हाँ, तो आपने फिर तो कानून, आप कानून हाँ, नहीं बनाया, तो लेकिन पॉलिसी इस तरह की है, जैसे जैसे पहले एक टीवी चैनल खोलने के लिए एक कंपनी को 3 करोड़ की उसकी नेटवर्क होना चाहिए, अब वो 20 करोड़ कर दी गई है। अभी मौजूदा सरकार में क्या हुआ है कि जो छोटे अखबार, जो पत्रकार छोटे अखबार निकाल रहे हैं, उनका आपने ऐसे पॉलिसी बना दी है कि सरकारी विज्ञापन जो मिलते हैं वो छोटे अखबार को मिलेगा ही नहीं, तो जब उसको विज्ञापन नहीं मिलेगा, उसको आमदनी नहीं होगी, वो सर्वाइव कैसे करेगा। लेकिन उनका उनका कहना है कि छोटे अखबार कई ऐसे थे जिनके नाम से जो कभी छपता ही नहीं था, वो सिर्फ विज्ञापन के लिए ही छापे जाते थे। कॉर्पोरेटाइजेशन की बात आप सुनिए, 77-78 में कोको कोला को देश से बाहर निकलवा दिया था समाजवादी आंदोलन ने। इस बीच जब कोको कोला यहां पर नहीं थी, इस बीच इंडिया के कई ब्रांड डेवलप हुए कोल्ड ड्रिंक के रूप में, लहर था, फिर वो माजा था, बहुत सारे आए। जब दोबारा से कोको कोला आई, साथ में पेप्सी आ गई, इन्होंने क्या किया, उन सारे छोटे छोटे ब्रांड्स को खरीद लिए कि इंडिया का कोई ब्रांड नहीं चलेगा, अगर कोल्ड ड्रिंक में कोई ब्रांड होगा तो ये तो पेप्सी होगी, ये पेप्सी का होगा या वो कोक का होगा। अब इंडिया में दूसरा प्रोसेस चल रहा है कि जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस थे वो छोटे छोटे संस्थान को खरीद रहे हैं। पहले मेरे ख्याल में 29 या 30 लोगों के पास मीडिया का था, अब वो घटके 3-4 लोगों के पास, 14-15 लोगों के पास रह गया है, और ऐसी उम्मीद है कि अगले 5 साल में उसी 5 या 6 घराने रह जाएंगे जिनके पास टोटल मीडिया का रहा है नियंत्रण रहेगा, और वही लोग सरकारों के साथ साठगांठ करके इस देश की एक बड़ी जो संपत्ति है उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। तो ये सब चल रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो फ्री प्रेस, जो आजाद, जो प्रेस की आजादी है, उसको थ्रोटल करने के लिए, उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए एक कॉर्पोरेटाइजेशन एक जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं जिम्मेवार है, और उसके साथ साथ जो सरकार ने उसको जिस तरह से चीजों को उन्होंने नियम और कानून नहीं भी बनाए, नियम इस तरह से बना दिए हैं, गाइडलाइंस इस तरह के हो गए कि छोटे अखबारों को, पत्रकारों को निष्पक्ष रूप से निडर होकर कोई काम करने में उनके लिए मुश्किल है। कहीं ना कहीं सत्ता की पॉलिसी ये है कि जो पत्रकार है वो किसी के नौकर बन के रहे, वो किसी के नौकर बनकर रहे, खुद मालिक ना बने, क्योंकि अगर वो खुद मालिक बनेंगे तो हो सकता है कि वो पत्रकारिता को इस देश में जिंदा कर दें। यहां जब हम देखते थे कि सांप छछूंदर टीवी पे चल रहा है, बैल छत पे चढ़ गया, तो दिन भर की खबर चल रही है, आज टीवी पत्रकारिता क्या रह गई है, इवेंट बेस्ड पत्रकारिता है। चलिए पुष्पन जी, अब सॉरी उपेन जी, आप कह रहे थे कि कैसे है माहौल के अलावा। देखिए होता क्या है कि अगर किसी ने एक कोई खबर दे दी जो लगे कि बहुत राष्ट्रवादी खबर है, कुछ ये खबर है, और किसी संपादक को लगे कि नहीं इसमें सच्चाई नहीं है, और वह नहीं उस रोज छापे, तो अगले रोज उसका मालिक चढ़ जाएगा उसके, यानी वो खबर गलत होने के पहले ही मालिक कहेगा कि भाई तुमने ये क्या कर दिया, सारे अखबारों ने ये छाप दिया, सारे मीडिया में है, ये तो खबर है, खबर का कोई आप सोर्स, जब अब मुझे वही मैं कह रहा हूँ, वही डिमांड कर रहा है, दो दिन पहले जो खबर छापी गई ये प्लान किया जाता है, सोर्स नहीं था, नहीं नहीं, लेकिन वो भी उसके लिए मालिक तैयार नहीं होगा, आप छापा है, मालिक आपको ये कहेगा कि आप झूठ छापो, आप झूठ बताओ, झूठ दिखाओ, ये कैसे मालिक कह सकता है, क्या ये मालिक कहता है कोई, आप झूठ दिखाओ, कहते हैं मैं बदलाता हूँ, एक बार मैं पटना में जब रिटर्न की बात में सच्चाई है, हम नरसिंह राव आए थे जी। तो हमारा जो फोटोग्राफर है एक ऐसा फोटो लेकर गया जो अंधेरे बिजली चली गई थी गांधी मैदान में जब भाषण कर रहे थे, तो अंधेरा फोटो बढ़िया नहीं आया था, हमने फोटो नहीं छापा, तो अगले रोज लोगों ने एक कर दिया कि प्रधानमंत्री आए उनका फोटो तक नहीं छापा, उनका फोटो तक नहीं छापा, कुछ अखबारों ने क्या कर दिया कि कोई पुराना फोटो उनका कहीं और का भाषण दिए हुए रहा होगा वो छाप दिया कि नरसिंह राव भाषण देते हुए, और हमने कहा कि भाई हमारा फोटोग्राफर फोटो लाया ही नहीं, तो वो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो उसी तरह से जो मालिक फोर्स करते हैं, अगर नहीं छपा हो तो मालिक है जो संपादक का जीना हराम कर देगा। हाँ, एक दिन के बाद पता चला कि वो संपादक सही था, लेकिन तब तक
24 घंटे का जो उसका जो टॉर्चर है उसका अंदाज आप नहीं कर सकते। मैं एक व्यक्तिगत तजुर्बा हमारे यहाँ हुआ एक सीआर ने आवाज लगाई सभी लोगों को सीआर के रूप में, तो हमारे यहाँ भारत में हुआ हुआ की पत्रकारिता है। 2006-07 की है, बोलते रहिए। एक बड़े टीवी चैनल ने खबर चलाई शाम को ब्रेकिंग न्यूज करके बड़ा बड़ा कि राहुल गांधी कांग्रेस में नई जिम्मेदारी मिलने से पहले शादी कर लेंगे। मैं कांग्रेस कवर करता था और पूरे न्यूज रूम में कोहराम मच गया कि खबर कैसे छूटी। हमारे संपादक ने बुलाया, बोले क्या है। मैंने मुझे 2 मिनट दीजिए, अब तो खबर ब्रेक हो चुकी है, अब आप ब्रोकन न्यूज चलाएंगे तो थोड़ा दो मिनट दे दीजिए, क्या है, पहाड़ तो नहीं टूटेगा। मैंने कन्फर्म किया और मैंने कन्फर्म करके कहा कि नहीं, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। और मेरे सोर्स ने कन्फर्म कर दिया कि राहुल गांधी की शादी की अभी तक कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं, बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन दूसरे चैनल पे वो खबर लगातार चल रही थी और हमारे एक सहयोगी थे, पहले हमारे सहयोगी भी थे और बड़े अच्छे पत्रकार थे, वो बैठ के बाकायदा ज्ञान बांट रहे थे कि नहीं साहब ये तय हो गया है, लड़की तय हो गई, सब कुछ तय हो गया है, मंडप कहाँ होगा बताया। हमारे संपादक ने हम पे डाला कि नहीं खबर चला रही है और एक दो चैनल ने और चला दिए, आपका क्या कहना है। मैं अपने स्टैंड पे अडिग हूँ, राहुल गांधी की शादी नहीं होने जा रही है, अगर आपको खबर चलानी है तो आप चला दीजिए, लेकिन ना मैं फोनों दूंगा ना मैं कोई इन्फॉर्मेशन दूंगा। लेकिन उस वक्त मैं करीब करीब 1.5 घंटे तक दबाव में था कि क्योंकि ऊपर से प्रेशर था, मालिक की तरफ से प्रेशर था कि खबर चल रही है, आप क्यों नहीं चला रहे हो खबर ये। लेकिन अगर मैं इस तरह की जब चीजें होती हैं तो आप क्या कहेंगे उसे, क्या कहेंगे, यही एक सवाल है। किस तरह से हम देखें, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद चोपड़ा साहब जल्द वापस लौटते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं फ्रीडम ऑफ प्रेस भारत में खास करके, और जो खबरें, जो स्थिति, जो इस वक्त जो हमारे साथ पैनल में बैठे हुए लोग थे जिन्होंने अपने अपने अनुभव को आपके साथ साझा किया है। हमारे साथ एक नए मेहमान अवधेश कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जानते हैं कि एक छोटा सा सवाल है अवधेश जी कि क्या देश में प्रेस की आज़ादी है या एक मिथक है। इसमें कोई तथ्य को नहीं, इसमें कहीं तथ्य कुछ नहीं होता है, सिर्फ नजरिया है। मूलतः हमारे देखने के नजरिए पर निर्भर है। उसका पहला तो प्रश्न ये है जी कि क्या प्रेस वाकई, जिसको हम प्रेस आज कहते हैं, ये प्रेस अपने किसी जमाने में कभी पूर्ण स्वतंत्र रहा है इसका। इस आज की अगर बात नहीं, आज की छोड़िए ना, कभी भी करेंगे। देखिए गांधी जी ने 1909 में जो है अपने हिंद स्वराज में लिखा, उनसे पाठक प्रश्न करता है, वो कहता है कि भाई ये लोकतंत्र तो बहुत बेहतर है क्योंकि ये तो इसमें मीडिया जनमत बनाती है, पब्लिक ओपिनियन बनाती है, और इस पब्लिक ओपिनियन के बाद जनता जो है नेताओं को चुनती है। तो गांधी जी कहती यही तो समस्या है कि जो अखबार एक नेता को आज अच्छा बताता है वही अखबार कल दूसरे नेता को अच्छा बताता है, इसको बुरा बताता है जो अखबार। इसलिए अखबारों पर ज्यादा विश्वास करना, वो कोई उसके अखबार जो है सही जनमत नहीं बनाते हैं, ये गांधी जी का कहना। ओपिनियन बनाने की बात नहीं कर रहा हूं, हम खबरों की बात कर रहे हैं, खबरों को लिखने की आजादी, खबरों को दिखाने की आजादी और प्रेस की आजादी जो लोकतंत्र में जिसकी हम बातचीत कर रहे हैं। वो क्यों है खबरों की आजादी, आपका हमारा मुख्य काम जनमत बनाना ही है, वो चाहे खबर के माध्यम से हो, चाहे गलत तथ्य रख के बोल रहे हैं, वो चाहे खबर के माध्यम से हो, चाहे विचार झूठ बोल के दे या सच बोल के दे, सवाल ये है। ये तो चंद्रशेखर ने कहा ही था कि पत्रकारों को अगर सच बोलने की आजादी है तो उसको झूठ बोलने की भी आजादी है, सच लिखने की आजादी।
आजादी है तो उसको झूठ लिखने की भी आजादी है। सवाल ये है, सवाल ये है अवधेश जी की प्रेस में आजादी, प्रेस की जो आजादी है वो क्या झूठ फैलाने की, झूठ लिखने की है या सच बताने की है? सवाल ये है। नहीं नहीं है तो सच बताने की, ये तो बहुत, इसमें तो कहीं कोई दो मत है ही नहीं कि हम, हमारा जो काम, हमारी भूमिका जो है, पत्रकार का मतलब सत्य का उपासक, हम सच्चाई के उपासक हैं, तो हम सच्चाई के उपासक। वही तो सवाल है। नहीं नहीं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई को भी कई बार देखने का नजरिया होता है। जैसे हमारे बगल में सुमित चोपड़ा बैठे हुए हैं, जब आईएसआईएस की चर्चा करेंगे तो हम आईएसआईएस को खतरनाक बोलते हैं, ये उसकी उसकी तुलना गोरक्षकों से करते हैं। इनके सच्चाई को देखने का खतरनाक नहीं है, आप पत्रकार हैं, वो पत्रकार नहीं है, ये भी पत्रकार है। अगर देखिए पत्रकार का मतलब आप ये भी एक पत्रिका में निकालते हैं, लिखते हैं। नहीं सर, एक इसमें मेरा, आप क्या माउथपीस अपने को पत्रकारिता नहीं मानते हैं? विषय पे आना चाहता हूं, आप विषय पे आना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी कमल संदेश निकालती, वो भी एक पत्रकारिता है, उनकी पार्टी की पत्रकारिता, उनका एक पत्रकारिता है, अपने 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 विचार को वो लोगों तक ले जाते हैं, वो उनका काम है। सवाल है जो स्वतंत्र, निष्पक्ष और निडर पत्रकारिता की बात है पूरी दुनिया में, जिसमें कि भारत 3 अंक नीचे उतरा है, पहले 133 स्थान, अब 136, 180 देशों में जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था जो है उनके भी रिपोर्ट जो आए हैं, और जो कुछ प्रेस डे पे, प्रेस फ्रीडम डे पे जो प्रधानमंत्री ने कहा है, उसमें जो कारण दिया है, देखिए जो जो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने कारण दिया है वही ऑब्जेक्शनेबल है। वो तो कारण ये दे रहा है कि भारत में राइट विंग्स के शासन आने के बाद, दिस नॉनसेंस, वो उसने लिखा है कि भारत, ये इसलिए 133 से 136 हुआ है कि भारत में राइट विंग के शासन का आने के बाद प्रेस की स्वतंत्रता पर समस्या आई है। तो वो जो रीजन दे रहा है, लेकिन रीजन क्या है, कहां स्वतंत्रता में क्या हुआ है? वही तो कह रहा हूँ कि इस 3 साल में ऐसा क्या हो गया है? आप तथ्यों के साथ खारिज करें, आप उसको खारिज, अगर आप उसको खारिज कर रहे हैं तथ्यों, मगर वो ये बताएं कि राइट विंग के आने के बाद सरकार ने ये कानून बना दिए जिसकी वजह से पत्रकार मारे जा रहे हैं, जिसकी वजह से आजाद नहीं हो पा रहे हैं। क्या कार्रवाई हुई है जिससे कि प्रेस की स्वतंत्रता कमजोर हो गई है? प्रेस की जगह जो अभी मैं वहां बैठा था तो मैं सुन रहा था, यूसुफ अंसारी, मैं उनको सुन रहा था। देखिए मूल बात यह है कि जो पूंजी आई है पत्रकारिता में, जो पिछले उदारीकरण के बाद, जो पिछले खासकर उसके उदारीकरण के बाद जो पूंजी आई है वो गंदी पूंजी पत्रकारिता में आई है। कोई भी फसल आप बोते हैं, जरा इसको समझिए, कोई फसल आप बोते हैं उस फसल में अगर आप गंदा रसायन डालेंगे तो उससे जो फसल उगेगी वो शरीर के लिए क्षतिकारक होगी। तो ये जो पूंजी है, ये गंदी पूंजी जो आई है ना, समस्या यहाँ है। अच्छी पूंजी, पूरी बात कर लेने दीजिए जी। आज का समय यह है कि चाहे आपको अखबार निकालना हो, चाहे आपको टेलीविजन चलाना हो, जो आज का खर्चा है वो सामान्य बहुत व्हाइट मनी कमाने वाले लोग न तो अखबार चला सकते हैं, ना आज के समय हम 4 पेज का कोई एक निकाल के 15 आदमी के पढ़ने के लिए दे दें। लेकिन बड़े स्तर पर काम करने के लिए पूंजी चाहिए, और वो पूंजी देने वाले वही लोग हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है। तो वो पत्रकारिता को एक बिजनेस मॉडल के रूप में देखते हैं। उनका वो मॉडल जो है, वो मॉडल खराब, आप ये कह रहे हैं मॉडल का, उसका एक एजेंडा, वो खबर के बदले उसमें एजेंडा की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, जो एजेंडा चलाने लगते हैं। तो उसमें खबर और विचार गौण हो जाता है, एजेंडा बढ़ जाता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, एक अखबार के संपादकीय पेज देखने वाले से मैंने पूछा कि भाई आजकल आपके यहाँ गड़बड़ी क्यों है? उन्होंने बताया कि हमारी मीटिंग में आजकल मैनेजमेंट पे जो नए लड़के पढ़ के आए हैं वो बड़े बड़े पद पर आ गए हैं, वो आके बैठ जाते हैं, वो कहते हैं कि टीवी पर फलाना को देखा है उससे लिखवाओ, सेलिब्रिटी से लिखवाओ। उसके लिए सेलिब्रिटी वो है जो रोज कहीं ना कहीं दिखता है, शाहरुख खान का लेख उसके लिए अच्छा हो जाएगा लेकिन कोई बड़े पत्रकार का नहीं होगा। तो ये सब चीजें पहले नहीं थी लेकिन आज हुई है। आज उसमें लेकिन काफी अंतिम पंक्ति में ये कहूंगा कि देखिए पत्रकारिता में जिसको बोलते हैं मतलब एकदम 100% अल्टीमेट ट्रूथ या अल्टीमेट स्वतंत्रता, ये कभी नहीं रहा है। 15 जून 1947 का जो है इनका गांधी जी का ही एक वक्तव्य है कि मुझे भारत का एक दिन के तानाशाह बना दिया जाए तो मैं सारे अखबारों को बंद कर दूंगा, क्योंकि अखबारों की भूमिका से उसी समय वो चिंतित थे कि ये अखबार देश के लिए लोकतंत्र के हित में और आने वाले समय में राष्ट्र निर्माण की सही भूमिका नहीं निभा पाएंगे, क्योंकि सबका स्वरूप कमर्शियलाइज। सच्चाई तो ये है कि दुनिया में कई देशों में लोकतंत्र है, भारत में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मीडिया की और खास करके फ्री फेयर एंड फेयरलेस मीडिया की आवश्यकता है, जरूरत है,
अगर आपको लोकतंत्र को मजबूत रखना है। लेकिन सुनीत चोपड़ा साहब, आपसे सिर्फ इतना कि जो आप बात कह रहे थे, जो बात देश जी ने कहा, यूसुफ साहब ने कहा, पुष्पेंद्र जी ने कहा, उपेंद्र जी ने कहा, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में, जिसको हमने ब्रेक पे जाने से पहले रोक दिया था। सबसे पहले उस बात को आप कह दे। जो मुख्य चीज है जी, वो अभी अवधेश जी ने बताया है कि किस तरह से पैसा बोलता है, और ये पैसा जैसे गंदा हो जाता है। फेयर ओनली टू ब्लेम मनी? नहीं नहीं, हम लोग लगातार मालिक मनी ब्लेम की बात नहीं है जी। इसमें दो चीजें हैं, वो पैसा बोलता क्यों है और बैड मनी क्यों बोलता है। क्योंकि आज हमारे समाज में जैसे एक तरफ हमने मोनोपोली बना दी है बड़े बड़े हाउसेस की, दूसरी तरफ कंस्यूमर को भी कंट्रोल किया जा रहा है। आपके जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं जी, वो आप के तय करते हैं कि पेपर में किस तरह की चीजें आएंगी जी, और वो एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं वो आपको एक बंदी बना के रखती हैं जी। एक तरफ से मोनोपोली, दूसरी तरफ से कंज्यूमरिज्म। इसमें एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो अभी ये नहीं, आप नहीं, इसको छोटा कर रहे हैं। आप अगर भारत में देखें जो अभी जो खास करके रिपोर्ट है और पार्लियामेंट में जो रिपोर्ट कहा गया, जो बताए गए हैं मंत्री के द्वारा, 142 अटैक जर्नलिस्टों पे, पत्रकारों पे हुआ है 14 और 15 में, और इस साल अकेले 54 अटैक्स जो है, पिछले 16 महीने में 54 अटैक हुए हैं। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अटैक में मैं आपको बता देता हूँ, अटैक करने वाले या तो लॉ मेकर्स हैं या लॉ इन्फोर्सर्स था, तो पत्रकार पीटे जाते थे, बांध के भी पीटे जाते थे। वही कह रहा हूँ कि ये सब बेकार है। जो अटैक, जो आक्रमण होते हैं पत्रकार, झूठ मत बोलिए, सुनिए सुन लीजिए आप, कुछ आंकड़े को सुन लीजिए। नहीं मैं, अरे वो आग से रिलेटेड नहीं है, मैं कह रहा हूँ जो पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं वो सबसे ज्यादा या तो जो लोग लॉ मेकर्स है वो कर रहे हैं, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ इन्फोर्स करने की वो कर रहे हैं। हाँ। और ये कहां पे होता है आप ये देख लें, जहां पर कोई पत्रकार इन्वेस्टिगेटिव या तो माइनिंग की स्टोरी करने जाता है माइनिंग के खिलाफ, वहां पे उस पर हमला होता है, या फिर जो स्टोन की माइनिंग होती है, इल्लीगल कंस्ट्रक्शन होता है, पुलिस की जो ब्रुटलिटी है उसको कवर करने जाता है, मेडिकल नेग्लिजेंस को कवर करने जाता है, एविक्शन ड्राइव को कवर करने जाता है, इलेक्शन कैंपेन और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का जो करप्शन है उसको कवर करने जाता है, तो सबसे ज्यादा अटैक होता है। और पॉलिटिकल पार्टी और उनके लीडर के द्वारा अगर मॉब है वहां पे, कोई भी गलत खबर उनको लगता है उनके हिसाब से नहीं है, तो ये हमले ज्यादा हो रहे हैं। ये चिंता का विषय है कि जो लोकतंत्र के प्रहरी हैं, रक्षक हैं, अगर पत्रकार वहां जाते हैं यूसुफ साहब, तो उस पे ये हमले होते हैं। ये बड़ी चिंताजनक स्थिति है, और ये ऐसा नहीं कि साहब पिछले 3 साल से हो रही है, ये लगातार पिछले काफी दिन से हो रही है। बिकम रूटीन, रूटीन बन गया है, और पत्रकारों को अपनी जान पे खेल के करना पड़ता है। अभी आप देखिए व्यापम की खोज खबर के लिए गए थे एक बड़े चैनल के पत्रकार जी, जी, जी। और उनकी वहां पर डेथ हो गई, उसका मतलब बाद में पता भी नहीं चला कि साहब उसकी क्यों डेथ हुई, इसकी निष्पक्ष जांच भी नहीं हो पाई है जी। दूसरी बात यह है कि ऐसे मामलों के अंदर जिन संस्थान से वो लोग जुड़े होते हैं वो भी एक तरह से पल्ला सा झाड़ लेते हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं और लगातार हो रही हैं, और उसमें किसी एक पार्टी को दोष दे देना या किसी एक सरकार को दोष दे देना, पार्टी और सरकार पे नहीं जा रहा हूं, तो उससे क्या हो रहा है कि जो खोजी पत्रकारिता में यकीन रखने वाले लोग हैं या उसके एक्सपर्ट माने जाते हैं वो अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं उन लोगों की, पुरानी लोगों की हालत को देखते हुए। हाँ, तो ये मुझे लगता है कि ये स्थिति काफी चिंताजनक है और इसका निराकरण होना चाहिए, लेकिन होगा कैसे, क्योंकि जो एक नेक्सस बन गया है, आपको याद होगा कि एक जमाने में NN वोहरा थे, उन्होंने एक बताया था करप्शन का जो नेक्सस है उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं और अंडरवर्ल्ड है जी। यहाँ पर एक नया नेक्सस बन गया है जिसके अंदर मीडिया मीडिया के लोग हैं, उसके अंदर ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसके अंदर पॉलिटिशियंस भी हैं, तो ये एक अलग तरह का नेक्सस है जो प्रेस को की आज़ादी को कहीं ना कहीं से दिमाग की तरह खा रहा है, और उसकी इंटीग्रिटी पर इसलिए सवाल उठते हैं। उसमें चाहे कश्मीर हो, चाहे नक्सल इलाके हो, चाहे जब लिट्टे के आप देख जानते हैं कि वहां पे भी पत्रकारों की जान गई थी, हिंदुस्तान में इस वक्त को लोग कंपेयर कर रहे हैं 3 पॉइंट नीचे आया है। चलिए 3 साल में 3 पॉइंट नीचे आ सकता है, बहुत सारे कारण
आप उसको गिना सकते हैं, लेकिन भारत में प्रेस की आजादी जो अवधेश जी कह रहे हैं कि गांधी जी ने ये कहा था, तो हमने लोकतंत्र की जब स्थापना की है, लोकतंत्र में जब हम यकीन करते हैं तो जाहिर है ये भी यकीन करते हैं कि यहाँ फ्री मीडिया होगा, लोग हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको सच दिखाएं। सच जो है वो लोग चाहते हैं और हम झूठ परोस रहे हैं लगातार 24 घंटे हम झूठ परोसने की कोशिश करते हैं और उसको बेचते हैं, चाहे उसको हम प्रोडक्ट के तरह बेचें। कॉर्पोरेटाइजेशन के जो नए कायदे कानून बनाए गए हैं कि आपको TRP चाहिए, अगर वो भूत दिखा के मिलता है तो आप भूत दिखा के लीजिए, प्रेत बेच के मिलता है तो प्रेत बेच के लीजिए। कहानी मनोहर कहानियां ज्यादा चलती हैं, जनसत्ता कम बिकता था, हमने देखा हुआ है, कई ऐसे उदाहरण है हमारे पास जिसको हमने देखा हुआ है। मैं इन अखबारों का नाम इसलिए लिया कि ऐसे कई ऐसे अखबार हैं, कई ऐसे चीजें हैं, किससे कहानी। सवाल यह है कि जहां से इसकी शुरुआत, जो लोग आइकन थे जिनको इसको ठीक करना था, वो क्या कर रहे हैं, और जहां से इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी, ये शुरुआत होने के चर्चा के बावजूद भी लगातार गिरावट क्यों हो रहा है? देखिए दिलीप, हम दो चीजों को समझें कि जो हम लोग बार बार जब पत्रकारिता की बात होती है और उसके मापदंडों की बात होती है तो हम गांधी से शुरू करते हैं। गांधी पत्रकारिता करते हुए 1200 रुपए के महीने के तनख्वाह का इंतजार नहीं करते थे। गांधी जी को उससे कुछ कमाना नहीं था, गांधी जी ने लिख दिया, लोग पढ़ रहे हैं। अखबार के लिए पैसा कहां से आता था, ये उस जमाने में भी लोगों को पता करना चाहिए कि पैसा अखबार को कौन देता था। कि हम सब जानते हैं स्वतंत्र आंदोलन के अंदर जो लोग अंग्रेजों के साथ शाम को कॉकटेल करते थे, वही दूसरे लोग जो हमारे आंदोलनकारी थे उनको भी पैसा देते थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी जहाज में घूम रहे थे तो वो कहीं हवा में घूम रहे थे, अखबार का जो खर्चा हो रहा था चाहे 10 ही रुपए हो रहा था वो अपनी जेब से निकाल रहे थे। उस पत्रकारिता में और आज की पत्रकारिता में फर्क ये है कि आज 90% पत्रकार रोजी रोटी के लिए पत्रकार बनने गया है। और पत्रकारिता में भी दो तरीके का मापदंड है, एक तो वो जो टॉप पे बैठे हैं, बड़े पत्रकार हो गए, जिन्होंने संस्थानों के ऊपर अपने आप को बड़ा कर लिया है, वो कैसे बिकते हैं कि जो जमीन का रिपोर्टर है, जो पूरी ताकत लगा करके एक स्कैंडल स्क्वाइम निकाल के लाता है, वो बहुत कोशिश करता है और ला करके दे देता है। अब एडिटर ये तय करता है इसको छापने से फायदा होगा या नुकसान होगा। Exactly. और फायदा होगा तो ये भी होता है कि वो स्कैम आपका बेच दिया जाए, रुकवाने की खबर पे भी पैसा कमा लेता है। तो Bilkul. दो किस्म की पत्रकारिता हम देख रहे हैं कि जो जमीन का पत्रकार है वो पत्रकार बनने के लिए ताकत पूरी लगा रहा है, लेकिन उसे पत्रकार रहने नहीं दिया जा रहा, उसका सर्वाइवल खतरे में है। तो एक तो वो है, दूसरी बात जो हम सब बार बार कह रहे हैं, जो बात अवधे जी ने कहा, कोई भी अखबार, कोई भी टेलीविजन आज की डेट में दिलीप, उसका सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? अखबार का, वो जनता जो अखबार खरीदती है। अगर अखबार की सबसे बड़े स्टेक होल्डर ही उस अखबार को ये कहें कि ये रद्दी अखबार है, झूठ बोलता है, ये होने लगा है हमारे देश के अंदर। आज रिक्शे वाले से उसके लिए इंटेलेक्चुअल्स की जरूरत नहीं है, किसी पुलिया पे चले जाइए, एक अखबार दीजिए, वो कहेगा अरे ये BJP का है, दूसरा अरे ये तो RSS का है, तीसरा ये तो कांग्रेस, यानी अखबारों की खबरों से पढ़ के वो रिक्शे वाला वो ये बता देता है कि ये किसका दलाल है। अखबार ओपन, आप पत्रकारों के नाम लीजिए, वो बता देगा ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, वो इसके साथ है। तो आपकी पत्रकारिता का मापदंड ये हो गया है। दूसरी बात आप मुझे बताइए, ये कैसे मुमकिन है? देश के एक बड़े पत्रकार थे, संपादक थे, वो एक सरकार में एक आयोग के अध्यक्ष भी हो गए और उस भिंड से चुनाव भी लड़ने चले गए, चुनाव हार गए, फिर पत्रकार हो गए। ये जो मैंने समझ में नहीं आया कि इतनी बारीक अपनी दानिश्वरी उन्होंने बना के रखी कि एक तरफ वो एक सरकार की पार्टी से गए, चुनाव लड़े, लौट के आए, फिर पत्रकार, फिर संपादक हो गए। ये जो इस देश में चलन चल गया है कि हर पत्रकार जो बड़ा है वो राज्यसभा की तरफ देखता है, जो छोटा है वो ये देखता है कि कहीं रेलवे बोर्ड के मेंबर बना दिए जाएं। तो मेरा कहना यह है कि सरकारों के पास बांटने वाली दुकान भी है कि रेलवे की एडवाइजरी कमेटी में 50 लोगों पत्रकारों को बना दिया, 2 बार साल में घूमने जाएंगे, फिर टेलीफोन वालों में बना दिया गया। तो ये पत्रकार लेते क्यों है, आपको क्यों चाहिए वो, आपका क्या मतलब है? कोई हिंदी कमेटी में है, उसको उर्दू आती नहीं है, वो हिंदी कमेटी में है। इसीलिए भारत इतने 136 पैदान पे खड़ा है। मैं ये कह रहा हूं कि बात ये नहीं हो रही है। मैंने कहा कि जो बात आपने कही, जो अवधेश जी ने भी बताया कि साहब उसमें जो मापदंड है, उन मापदंडों के हिसाब से सरकार का कोई कानून, उन मापदंडों के हिसाब से जो भी आपने कहा कि इलीगल माइनिंग की खबर में, अब जो इलीगल माइनिंग की खबर में मर रहा है वो सरकार की अगर नहीं भी हो रही है, कोई प्राइवेट आदमी कर रहा है, वो इतना दबंग है कि वो मार देगा और उसका सरकार के साथ कनेक्शन है, इसलिए सरकार उस पर बहुत ज्यादा
वो नहीं लेती कि उस पर इंक्वायरी कराई जाए। दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता का हमने कोई सेट स्केल नहीं बनाया है। आज पत्रकारिता बाजूरी हो गई, इसलिए हम सरकार से ये नहीं कह सकते, इसलिए हम सरकार से ये नहीं कह सकते। पुष्पेंद्र जी, हम कुछ भी कह लें, एक तो सच्चाई है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है, ये अपेक्षा है कि आप सच को बताएं, सच को दिखाएं, सच को लिखें। नहीं, अगर नहीं लिख सकते तो छोड़ दीजिए। अगर नहीं लिख सकते तो बताइए ना, इस पत्रकारिता को छोड़ दीजिए। ये तो है, ये हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये क्या नहीं, नहीं। हम सरकार के दबाव में हैं? हमारा लोभ और लालच है, क्या सर्वाइवल है हमारा? हमको रोजी रोटी चाहिए, हम उसे कमाना चाहते हैं। हमारी नहीं है, हमारे पास संघ सब कुछ है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी है, ऐसी बात नहीं है, इंस्टीट्यूट है, ठीक है, बहुत सारे कुकुर मुत्तों की तरह उगाए हैं, लेकिन आज भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो अच्छी ट्रेनिंग दे रही हैं, और अच्छे लोग हैं जो आपको अच्छी तालीम दे रहे हैं, पत्रकारिता के मूल्य समझाते हैं। जब हम कोर्स कर रहे थे हिंदी जर्नलिज्म का, तो उन्होंने रिश्वत और ऑब्लिगेशन में फर्क समझाया था। वो कभी प्राइम मिनिस्टर के सलाहकार रहे थे, बोले अगर कोई आपको लस्सी पिला रहा है तो वो लस्सी रिश्वत में नहीं आएगी, लेकिन अगर शाम को बैठ कर विदेशी शराब पिला रहा है तो रिश्वत की कैटेगरी में आ जाएगा। आपकी हैसियत अगर 100 रुपये का पेन खरीदने की है और इतनी कीमत का कोई आदमी आपको पेन दे रहा है तो वो रिश्वत में नहीं आएगा, वो एक सामान्य कटसी है, शिष्टाचार है डायरी लेना। लेकिन अगर वो आपको मोबला का पेन दे रहा है तो वो रिश्वत है, ये सब समझते हैं। लेकिन जो आपने मुद्दा उठाया कि पत्रकारों से ये उम्मीद की जाती है कि साहब वो साफ गोई के साथ उम्मीद है ना? हाँ, कि वो सच सामने लाएं, और जब वो सच सामने लाके खड़ा लेकर आता है तो संपादक तय करता है कि भाई ये सच है कि नहीं है, कहां से आया और ये है, सच कितने में बिकेगा, कितने में बिकेगा? और इससे किसको फायदा होगा? हमारे संस्थान को इससे नुकसान तो नहीं है, अच्छे संस्थान के कहीं और किसी रिश्तेदार को तो नुकसान नहीं है। तो भाई उसके लिए फिर अकेला पत्रकार को क्यों दोषी ठहराते हैं आप? पुष्पेंद्र जी ने जो पत्रकार जो संपादक बने, वो पत्रकार जो मालिक बने, एक बात बताइए, जब एक रिपोर्टर अगर, अगर अगर जो खबर मैं एक मैं उदाहरण मैं एक सिर्फ जब एक रिपोर्टर की खबर पे अखबार का मालिक किसी पार्टी से बैठ के राज्यसभा या किसी कमीशन के चेयरमैन मीडिया एडवाइजर लोकसभा उसके लिए बार्गेनिंग कर रहा है, तो उस रिपोर्टर को आप जो है हिंदी समिति में जाने पर भी आपको आपत्ति हो रही है? उसका सर्वाइवल नहीं है, उसका रिपोर्टर है, वो मालिक है, वो पत्रकार नहीं है। मैं भी यही पूछ रहा हूँ, जो छोटा वाला है जिसे आप एडवाइजरी, उसका भी तो परिवार है, उसको भी तो मकान के साथ परिवार चला रहा है। एक व्यापार करने के लिए मीडिया का व्यापार या व्यापार में इन्वेस्ट किया, पूंजी दिया है। मैं एग्जांपल लेता हूं, नाम नहीं लूंगा, एक पत्रकार थे, मतलब पत्रकार है, वो किसी बड़े मीडिया संस्थान में काम करते थे। उनके संपादक जी को या मालिक को ये बात पता लगी कि साहब इन्होंने अपने पर्सनल, उनके मतलब बीमारी थी और उसमें लंबा खर्च होना था, उन्होंने किसी पॉलिटिशियन से व्यक्तिगत लेवल पे जाके मदद मांगी और उस पॉलिटिशियन ने मदद कर दी जी। लेकिन साथ ही उस पॉलिटिशियन ने या किसी और ने उसके मालिक को ये बात बता दी कि भाई आपके रिपोर्टर को इतना खर्च था इनका और प्राइवेट में इनका इलाज हुआ था और फला आदमी ने किया था, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। और उस संस्थान का मालिक ने सरकार से सांठगांठ करके क्या क्या नहीं कमाया। आपके पास सोशल सिक्योरिटी आपके पास नहीं है, जो नए संस्थान आ रहे हैं वह सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं, मजीठिया का आयोग लागू करने के लिए कितनी एड़ी चोटी के जोर लग रहे हैं, उसके लिए तो कोई नहीं बोलता है। आज़ादी, आप रात को खड़े होकर बोलते हैं कि सब सुबह को 15,000 और 1500 रुपये का नोट कल से तत्काल प्रभाव से बंद हो जाएगा। आप बोल दीजिए कि जो पत्रकार है, श्रमजीवी है, उनको मजीठिया आयोग कल से देना होगा, नहीं देगा तो हम उसका कैंसिल कर देंगे। क्यों नहीं बोलते आप जी? कैसे उम्मीद करेंगे आप कह रहे हैं इसमें पूरे नेक्सस मतलब के साथ जो है, एक डिजाइन है, एक सोची समझी साजिश तो ना भी कहें तो कम से कम एक समझ ये बनी हुई है कि इसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। इसको सोच बनी हुई है क्योंकि वो अपने अपने फायदे के लिए जो भी प्रतिष्ठान है, ताकतवर प्रतिष्ठान है, वो मीडिया के बड़े सेक्शन को अपने फायदे के लिए, अपनी बात को प्रोपेगेट करने के लिए बहुत ही चालाकी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत कम समय है लेकिन आपसे चाहेंगे कि क्या मीडिया का इस्तेमाल अब हो रहा है? मीडिया सच को दिखाने से अब शायद उस स्थिति में नहीं है कि आप पूरी तरह से सच को दिखा पाए, क्या ये स्थिति बनी रहेगी? आपको लगता है इसमें परिवर्तन के दौर की शुरुआत होगी? लोकतंत्र को अगर मजबूत रखना है तो प्रेस की आजादी उतनी ही महत्वपूर्ण और उतना ही अहम है, इसलिए यहां से बदलाव होना चाहिए। बदलाव की शुरुआत हुई है और वो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? अब देखिए, जिस तरह से मीडिया ये होल कहिए जी, अलग अलग आप माइक्रो लेवल पर आप देखिए, एक माइक्रो लेवल पर देखिए, माइक्रो लेवल पर बहुत ज्यादा मैनेजमेंट हो रहा है। जो माइक्रो लेवल पर देखिए ओवरऑल, इसका समष्टिगत रूप देखिए तो
अभी खतरा नहीं है मीडिया को, मीडिया उस लेवल पर आप कह सकते हैं कि अभी भी स्वतंत्र है, बहुत सारी बातें आ जाती है जो कि सरकार के खिलाफ होती है, जो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होती है, और उसको लोग दिखलाते हैं। ये पिछले अन्ना आंदोलन के बाद क्या हुआ, उसमें तो सरकार थी कांग्रेस की, यूपीए की सरकार थी, लेकिन अपना जो मीडिया है उसने दिखलाया, तो वो अभी भी एक संभावना है, वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ, लेकिन जो माइक्रो लेवल पर अलग अलग होता है उस पर जो मैनेजमेंट हो रहा है वो बहुत खतरनाक हो रहा है। तो हमें लगता है कि अब एक फेज होता है, जिस तरह के समाज में हम रह रहे हैं, जिस तरह की राजनीतिक व्यवस्था में रह रहे हैं, जिस तरह समाज में बदलाव आ रहा है या राजनीति में बदलाव आ रहा है, तो सबका असर मीडिया पर भी पड़ता है। तो हमें लगता है कि अभी ट्रांजिशन का फेज चल रहा है, उससे हमारा मीडिया भले शिकार हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली मीडिया को कोई खतरा नहीं है। बाकी बीच बीच में इस तरह की समस्या रहती है, ये चैलेंजेज है, ये चुनौतियां हैं, और बाकी मैं एक पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, पता नहीं कितना, लेकिन सुनील चोपड़ा जी, हमने देखा कि चुनाव को लेके, राजनीति को लेके बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, और चुनाव आयोग में जब एक व्यक्ति ऐसा बैठा जिन्होंने शुरुआत की, कुछ अच्छी पहल की, तो वहां से कुछ अच्छे काम भी हुए। मीडिया में भी जनमत का असर होगा, अगर लोग ये सोचने लगे हैं कि आप सच नहीं दिखाते हैं, लोग सोचने लगे कि आप किसी खास पार्टी के लिए काम करते हैं, तो लोगों के सोच के हिसाब से आपको आज नहीं तो कल आपको बदलना होगा, आपको वापस सच्चाई दिखाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मजबूरी तो होगी, लेकिन वो मजबूरी तब होगी जब नीचे से बड़ी लहर उठेगी, क्योंकि जब तक जनता की वो लहर नहीं उठेगी तो मीडिया के मालिक, ये जनता के लहर से होगा या पत्रकारों के अपने अंदर से, पत्रकार बेचारा क्या करेगा, कुछ इंट्रोस्पेक्शन, तीन चीजें करता है, एक जो सच बोलता है वो निकाला जाता है, एक जो मालिक की बात कहता है वो चलता रहता है, सेलिब्रिटी बन जाता है, तीसरा वो है जिसके पास दोनों नहीं है तो वो छोटे छोटे बिजनेसमैन को ब्लैकमेल करता है, और कई बार मारा भी जाता है ब्लैकमेल करते हुए। तो मेरा ये कहना है कि ये जो तीन चीजें हैं, इनसे आगे केवल जनता का उभार है जो मजबूर करेगा प्रेस को फ्री होने को। अवधेश जी, प्रेस की आजादी और प्रेस की जो स्थिति है उससे उभरने के लिए आपको लगता है अंदर से आवाज आएगी, अंदर से काम होंगे, या जो संस्थाएं हैं लोकतंत्र में हर तरफ जैसे जैसे लोग सुधार की तरफ जाएंगे इसमें भी सुधार आएगा, ये एक सोच रखा जाए पॉजिटिव नोट पे? नहीं, पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए, लेकिन मेरा कहना यह है कि हम सबको स्वयं में आत्मचिंतन करना चाहिए कि हमारी भूमिका क्या हो। देखिए, पत्रकार जब तक आत्म बलिदान के लिए तैयार नहीं होगा, आत्म बलिदान हम अपने को ही बलि चढ़ाना पड़ेगा, जब तक हम इसके लिए तैयार होंगे कि हम सुखी रहे, हम भौतिक जीवन में भी हमको सब कुछ मिलता रहे जी, और हम बड़े ईमानदार भी कहलाए, राजा हरिश्चंद्र भी कहलाए, तो ये नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूं, आपको आप ही की बात, किसी संस्थान ने पढ़ाते वक्त ये शब्द इस्तेमाल किया कि हमें ऐसा करना है, तो किसी ने समझाया? ये मेरा अपना मानना है कि जैसे हमारी, मेरा मानना है कि पत्रकारिता को अगर हम पत्रकार कैरियर मान के चलेंगे, इसको ही मान के चलेंगे कि हमारे लिए रोजगार का साधन है, तब तक पत्रकारिता में सुधार मुश्किल है। उसके बिजनेस की हमने बात की, हालांकि हमारे देश में सरकार इसकी संभावना आपको कहीं दिखती है जो आपने कहा, तो ये भाव नहीं पैदा होगा। जब पूरा चीज प्रोफेशनल बिजनेस बन गया है, पैदा कहां से होती है? जब आप नौकरी करते हैं, आपका खर्च बढ़ा होता है, तो आपको हर तरह के समझौते करने पड़ते हैं, लेकिन आप अगर आत्म बलिदान को तैयार है कि हम समझौता नहीं करेंगे, भले हमें भूखे चढ़ने के लिए, जो है ये आत्म बलिदान सेल्फ सैक्रिफाइस का काम है, ये करियर और रोजगार का काम नहीं है। जो बात अवधेश जी कह रहे हैं वो आपका अनुभव क्या कहता है, बहुत कम शब्द है कि आपने बिल्कुल जो मेरे अनुभव वाली बात की वो कह दी है कि साहब आज अगर आपको पत्रकारिता करनी है तो आप रोजी रोटी का इंतजाम कहीं और से कर लीजिए, उसके बाद आप पत्रकारिता कीजिए। नहीं, पत्रकारिता से भी कैसे होगी भाई? आप हमेशा अपने आप की बलि चढ़ाने के लिए तैयार हैं। साहित्यकार है तो आप क्या करते करते, मैं आपकी बात जब मान लेता, जब पत्रकार के सामने होता गाड़ी हो, लेकिन मिनिमम शाम का खाना खाएगा, जहां सोएगा बिजली का, उतने के लिए कहां से लाएगा? नहीं, हमारे देश में पत्रकारिता ऐसी भी हुई है जिसमें विज्ञापन निकला है कि आप अगर जेल जाने को तैयार है, भूखे रहने को तैयार है, विज्ञापन निकला है, हमारे वाला कभी नहीं गया, हमारे अखबार के संपादक आजादी के गहराई को समझना पड़ेगा आपको। लेकिन ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, इस सवाल को एक घंटा में शायद सारे जवाब ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। फिलहाल अवधेश जी आपका, उपेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, यूसुफ साहब और सुनील चोपड़ा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।